अगर मुसलमान एक हो गए, जैसा मैंने अभी आंकड़ा भी आपको दिखाया, महाराष्ट्र में करीब 11.5%, झारखंड में 15%, आपके लिए तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी तरफ आपको पता है कास्ट कार्ड भी चल रहा है, संविधान का मुद्दा चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए दोनों राज्यों में अगर ये सब एक हो गए तो दिक्कत हो जाए। के शर्मा, नहीं, राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, ये 2011 में कहा था, इसके बावजूद क्या हुआ? 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो, या महाराष्ट्र के जो भी दोनों चुनाव, तो स्थिति स्पष्ट है, हमें मुसलमानों से बहुत डर आई है मानक जी। लेकिन मैं आपके विषय से परे नहीं जाऊंगा, मैं आपके विषय पर ही रहूंगा। आपने एक जो हेडिंग डाली है, जो आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री का जो बयान है, मैं उसी बात कर रहा हूँ। गांधी परिवार और मोदी परिवार, मोदी जी का परिवार क्या है मानक जी? लाल किले से मोदी जी एक बार नहीं, कई बार और विभिन्न सभाओं में कह चुके हैं, मेरे परिवारजनों, 140 करोड़ भारतीयों को वो परिवारजनों के नाम से बुलाते हैं, मेरे परिवारजनों। और आज तक राहुल, मैं चुनौती देता हूं अभय दुबे को, एक भाषण सुना दे जिसमें आज तक राहुल गांधी ने इस देशवासियों को परिवार कहा हो, क्योंकि राहुल गांधी का परिवार क्या है? मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका वाड्रा और जीजा रॉबर्ट वाड्रा, अब कोई रेहान वहान और आ रहे हैं पीछे में, और इसके अलावा जो बचे वो मुसलमान, उसके अलावा इनके परिवारजन और कोई नहीं, ये पूरा देश जानता है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। और आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, 3-4% आरक्षण पर जो बयान आया, उस बयान पे तो कुछ बोल ही नहीं रहे, ये तो बोलती बंद है। अभी अभी उलेमा, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने इनके सामने 17 बिंदुओं के शर्त रखे, एक चार्टर, ये विभाजन का चार्टर है मानक जी। जिन्ना ने भी जब विभाजन हुआ था तो यही चार्टर रखा था, इसी तरह का कि मुसलमानों को ये मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, आरएसएस पर प्रतिबंध, तमाम चीजें इस पर लिखी हुई। ये विभाजन के चार्टर पर इनके नेता ना, ये जो है इनके जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी स्वीकृति नाना पटोले ने दी है, और उसमें ये कहा गया है कि, ये मैं वाक्य पढ़ के बता देता हूं, कि महाराष्ट्र में मकाने आपके द्वारा व्यक्त की गई 17 मांगों के संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के गठन के बाद हमारी मांगों को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए महाविकास अघाड़ी को दिए गए समर्थन के लिए हम आभारी हैं, ये कहते हुए। और नाना पटोले कहते हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी हम आपके वादे को पूरा कर देंगे, मैं वो भी लेटर आपको दिखा रहा हूँ। आज ही फिर इसी महाराष्ट्र में मराठी मुस्लिम सेवा संघ, इनकी मांग है। आज आप झारखंड में लोहरदगा में फतवा जारी हो रहा है, ये फतवा जारी किया जा रहा है ये कहते हुए कि साहब सारे मुस्लिम मिलकर जो है एनडीए को, सॉरी इंडिया गठबंधन को, लिखा गया इसमें, हमारी हम अपील करते हैं कि वक्त का तकाजा है कि मुसलमान मुजाहिद होकर इंडिया गठबंधन को अपना वोट दें और दिलाएं जमीयत उलेमा जिला लोहरदगा का पैगाम। ये पड़ी, ये है इनका परिवार सर, ये है इनका परिवार, ये सच्चाई है। के शर्मा, और कांग्रेस जो है और समाजवादी पार्टी है। अब मैं एक बात पर और आता हूँ, एक बात पर और आता हूँ, बस छोटी सी बात कह दूं। अभी इन्होंने विचारधारा की बात की, ये कह रहे परिवार की बात नहीं जी विचारधारा की। मैं तो आज तक जितना भी पढ़ा हूँ सर, हो सकता है मैं ज्ञानी हूँ लेकिन आपके करोड़ों दर्शक विद्वान हैं, हमने समाजवाद की विचारधारा सुनी, हमने राष्ट्रवाद की विचारधारा सुनी, हमने हिंदुत्व की विचारधारा सुनी, हमने पूंजीवाद की विचारधारा सुनी, साम्यवाद की विचारधारा सुनी, लेकिन मुझे आश्चर्य कि अभी जो ये विचारधारा गिना रहे थे इसमें तो ये सब कुछ नहीं था। तो मुझे आश्चर्य, अच्छा, के शर्मा, कहां से अभय दुबे?